A woman was killed and her husband got injured after Pakistani troops violated the ceasefire along the line of control in the Nowshera sector of Rajouri in Jammu and Kashmir on the intervening night of Wednesday and Thursday. Giving details, the victim said, "हमने बोला चलो इधर सो जाए, छोटे अंदर से सोए गए, फायरिंग पहले हुई, मोटे गोले बारी चल रही, ये ऐसे फायर आया कि इसको पता भी नहीं लगा कि कहाँ मेरी सास में मेरे घर वाली सोई, उसको भी लगा और मेरे आन के लग गया, घर वाले मेरे को उठा के लाए रोड में, मेरे को भी उठा के लाए, गए जो गुआढ़ी है उन्हें बहुत मदद की मेरी, फिर उठा के लाए नौशहरे, नौशहरे आन के हॉस्पिटल में डॉक्टर ने मेरी बहुत मदद की है, लेकिन इस टाइम तक सोए भी नहीं। तो आपकी जो वाइफ है, बीवी जो आपकी, उसकी डेथ हो गई मेरी बीवी। Initially, the Pakistani forces resorted to small arms firing, but later used heavy mortar shells, targeting some of the border outposts in the region.